हेलो दोस्तों, ऑनलाइन बैंकिंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड को आप कैसे मंगा सकते हैं या कैसे मिल सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आप दो तरीके से आपको मिल सकता है, एक है ब्रांच से, दूसरा है आपको अगर मैं आपको ऑनलाइन मतलब जनरेट करना है, मतलब यूजर आईडी पासवर्ड बनाना है तो थोड़ा ऑनलाइन कठिन रहता है, ठीक है। तो आप ऑनलाइन का वीडियो बहुत से पढ़ा होगा, पर इस वीडियो में हम आपको फॉर्म फिल करके बताएंगे कि आप फॉर्म फिल करके अगर मैं जमा कर देते हैं तो आपको मतलब 2 से 3 घंटे के अंदर आप फॉर्म फिल करके ब्रांच में जब जमा कर देंगे 2 से 3 घंटे के बाद आप इंटरनेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में बता देते हैं कि फॉर्म फिल कैसे करते हैं और उसका क्या क्या प्रोसेस है, कैसा है, हम लास्ट में बता देंगे। तो चलिए हम फॉर्म को फिल करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको चाहें तो इस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पे आप कमेंट करते हैं वहाँ पे एक लिंक दिए हैं वहाँ पे। और देखिए इस तरह का एक फॉर्म रहेगा, तो कि हम इसको जूम करके रखे हैं, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम इसको जूम किए हुए हैं, तो जब उस फॉर्म को आपको जब मिलेगा ना तो कुछ इस तरह का रहेगा और ऊपर उसके ऊपर लिखा रहेगा ऑनलाइन SBI इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और जहाँ पर आप ब्रांच पर भी जाएंगे ना तो वहाँ पर बोलेंगे ना कि हमको SBI का इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए, तो भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको डेट, यहाँ पर देखिए डेट आता है, तो जिस तारीख को आप जमा करेंगे ना इस फॉर्म को, आप जिस भी डेट को जमा करेंगे उसका डेट डालना है। और फिर यहाँ पे आपको ब्रांच, देखिए यहाँ पे रहता है एक ब्रांच, मतलब आपको जहाँ पे भी मतलब आपका ब्रांच है ना, ब्रांच का यहाँ पर नाम लिखना है। तो आप हिंदी में इंग्लिश में जो भी लिखना है लिख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए नाम में आपको यहाँ पर कस्टमर नाम, मतलब आपका जो भी नाम है ना, ठीक है, आपको यहाँ पर डालना है। देखिए नीचे आएगा नाम, तो आपको यहाँ पर नाम डालना है। तो अगर मैं आपका इस पेज आता होगा तो एक बॉक्स छोड़ के दूसरे बॉक्स से लिख लीजिएगा, जैसे मेरा नाम आशीष है और कुमार आशीष कुमार है, तो मैं एक डब्बा छोड़ देता हूँ आशीष लिख के, एक डब्बा छोड़ के मैं दूसरे डब्बे से लिख देता हूँ कुमार। तो आप लोग भी मतलब इंग्लिश में ही लिखिएगा। और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, और यहाँ बता दें कि अपना मोबाइल नंबर +91 +91 लगा के और 10 डिजिट का नंबर लगाइएगा, मतलब प्लस लगाइएगा फिर 91 और फिर अपना मोबाइल नंबर लगाइएगा। तो समझ में आ गया होगा कि प्लस आपको लगाना है, फिर 91 लगाना है, फिर आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है। फिर से बोल दे, प्लस आप लगाइएगा, फिर 91 लगाइएगा, फिर आप जो आपका 10 डिजिट का नंबर है वो आप वगैरह वगैरह जो भी है, जियो आइडिया जो भी है, ठीक है। और आप अगर मैं दुबई वुबई रहते होंगे ना तो अपना कोड लगा लीजिएगा, तो दुबई का कोड तो जानते होंगे, इंडिया का है +91, ठीक है। अगर मैं सऊदी दुबई जहाँ भी रहते होंगे तो आप वहाँ का कोड लगा लीजिएगा, क्योंकि कोड जरूरी है आपको लगाना है। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी डालना है, तो जो भी आपका ईमेल आईडी हो वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और यहाँ पे आपको डेट बर्थ, आपका जो भी डेट बर्थ है वो आपको फिल करना है। और उसके नीचे आना है, यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले पर मत यस कीजिएगा, नहीं तो यस कर देंगे ना तो मालूम है, वो यस करेंगे तो बस बैलेंस ही बाद में चेक कर पाएंगे। तो नीचे वाले पर आएगा ट्रांजेक्शन राइट्स, इस पर यहाँ पर आपको यस लिख देना है, YES, बस यहाँ पे आपको YES लिख देना है, ठीक है। नीचे वाले पे जो ट्रांजेक्शन राइट्स पर लिखा है उस पर आपको, फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना है। तो जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा वो आपको इसमें फिल कर देना है। यहाँ पे आप सिंगल है या ज्वाइंट है, तो जब आपका ज्वाइंट होगा तो नीचे ज्वाइंट लिखिएगा, अगर मैं सिंगल होंगे तो सिंगल लिखिएगा। और यहाँ पे देखिए आपको ये सब डब्बा छोड़ दीजिएगा, ये सब डब्बे को कुछ मतलब आपको कुछ यहाँ पे छेड़छाड़ करना नहीं है, ठीक है। तो आप उसको कुछ भी मत कीजिएगा, फिर आपको नीचे आना है। तो यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए कस्टमर सिग्नेचर, तो आपको जो भी आपका जो सिग्नेचर करते होंगे जब पैसा वैसा निकालने गए होंगे या कभी का सिग्नेचर किए होंगे, तो आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है। देखिए यहाँ पे जो भी है आपको सिग्नेचर कर देना है, और सही सही होना चाहिए, नहीं तभी आपको जो यूजर आई डी और पासवर्ड है वो मिलेगा। और यहाँ पर जिस तारीख को आप डेट को जमा कर रहे हैं वहाँ उसी दिन का डेट यहाँ पर डाल देना है। तो आप इसी तरह इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और भर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्म को कैसे भरना है। तो हम बता दें कि इस फॉर्म को डाउनलोड करना है ना, तो जहाँ पे आप कमेंट करते हैं वहाँ पे एक लिंक दिए हैं, वहाँ पे PDF का एक ऑप्शन दिया होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। और PDF पर जैसे क्लिक करेंगे ना तो वो डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। वो डाउनलोड होने के बाद आप कहीं भी उसको निकलवा लीजिएगा और उसको घर पर ही भर के आप लेके जाइएगा, वहाँ पर जमा कर दीजिएगा। जमा करने के बाद आपको तुरंत एक किट मिलेगा, उसको किट बोलते हैं, और उसमें एक पासवर्ड रहेगा, यूजर आई डी रहेगा। उस यूजर आई डी को आप घर पर आइएगा और लॉगिन कीजिएगा, ठीक है। तो आपका उस बहुत से वीडियो पढ़ा हुआ है वो देख सकते हैं कि किट मिलने के बाद लॉगिन कैसे करते हैं। तो ऐसे नेट बैंकिंग लिखेंगे ना YouTube पर तो बहुत से वीडियो आ जाएगा। तो जब आपको मिल जाता है वो किट ना, तो आपको घर पे आना है और लॉगिन करना है। पर यही है कि जो फॉर्म को जमा करेंगे जहाँ पे ना, वो बैंक मैनेजर के पास ही आपको डायरेक्ट उस फॉर्म को लेके जाना है।
और उनको ही देना है फार्म को, और जब वो आपको किट दे देंगे तो उनसे खुद पूछ लीजिएगा इसको कितने देर के बाद हम लॉगिन करें, क्योंकि वो लास्ट 24 घंटे बोलेंगे, ठीक है। तो आप उनसे जब किट लेते समय उनसे पूछ लीजिएगा कि हम इसको कितने देर के बाद लॉगिन करें, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मन में शंका होगा तो कमेंट कीजिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।